कहूं कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत खूबसूरत सा माहौल बन गया है, और ऐसे में अब मैं पुकारने जा रहा हूं, दो अगर दो तीन जुमले मुझे बोलने दें तो मैं ये कहूंगा, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे जुड़ी हैं कि उन्हें अलग अलग देखना संदीप भैया कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे जिंदगी और दिल, दिल और मोहब्बत, मोहब्बत और इश्क, इश्क और आंसू, आंसू और शायरी, शायरी और गजल, गजल और तरन्नुम, तरन्नुम और जनाबे मीसम गोपालपुरी। उर्दू गजल का एक ऐसा नाम जिसका कमाल यह है कि अगर आपने मीसम गोपालपुरी का मूड बना दिया तो मैं ये दावा करता हूं कि मीसम गोपालपुरी ये कमाल दिखाएंगे कि गजल आपको सुनाएंगे भी और गजल आपको दिखाएंगे भी, दोनों काम अगर आपको देखने हैं तो आपको मीसम गोपालपुरी का जरा सा मूड बनाना पड़ेगा। तालियां कमजोर हैं, फिर दोहरा रहा हूं, मीसम गोपालपुरी, गोपालपुर सीवान बिहार से हमारे बीच आए हैं मीसम गोपालपुरी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। वाकई आप साहित्य की हिफाजत फरमा रहे हैं और उर्दू अदब के महाफिज हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक मतलब और दो तीन शार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए, मतलब कुछ इस तरीके से अर्ज किया है कि दूर रहना था, दूर रहना था अगर पास बुलाया क्यों था। सबकी शिरकत चाहता हूं, जो दूर बैठे हैं पीछे बैठे हैं उनकी भी शिरकत। दूर रहना था अगर पास बुलाया क्यों था, अपने रुखसार का दीवाना बनाया क्यों था। दूर रहना था अगर पास बुलाया क्यों था, अपने रुखसार का दीवाना बनाया क्यों था। जिंदगानी के अंधेरों से अगर डरते हो, जिंदगानी के अंधेरों से अगर डरते हो, चांदनी रात में सीने से लगाया क्यों था। जिंदगानी के अंधेरों से अगर डरते हो, चांदनी रात में सीने से लगाया क्यों था। यह भी शेर बतौर खास बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी दुआएं दाद की शक्ल में, तालियों की शक्ल में मुझ तक पहुंच रही हैं, हाजिर करता हूं। चांदनी रात में सीने से लगाया क्यों था, कोई रिश्ता ही नहीं जब मेरी तन्हाई से, कोई रिश्ता ही नहीं जब मेरी तन्हाई से, आके ख्वाबों में मुझे तूने जगाया क्यों था। अब मैं चाहता हूं कि एक बार यह पूरा मजमा हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए, खुसूसी तौर पे आप अपने लिए एक जोरदार तालियां पूरे मजमे से मैं गुजारिश करता हूं कि आप बजाएं, ताकि हम और आप सब शरीक हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई रिश्ता ही नहीं जब मेरी तन्हाई से, आके ख्वाबों में मुझे तूने जगाया क्यों था। यह भी शेर देखिएगा कि साथ जब प्यार की राहों में नहीं चल सकते, साथ जब प्यार की राहों पे नहीं चल सकते, मेरी आंखों को नया ख्वाब दिखाया क्यों था। साथ जब प्यार की राहों पे नहीं चल सकते, मेरी आंखों को नया ख्वाब दिखाया क्यों था। जब किसी और की बाहों में तुम्हें सोना था, जब किसी और की बाहों में तुझे सोना था, मेरे जज्बात को बतलाओ जगाया क्यों था। जब किसी और की बाहों में तुम्हें सोना था, मेरे जज्बात को बतलाओ जगाया क्यों था। मेरे जज्बात को बतलाओ जगाया क्यों था। तुमको मीसम की मोहब्बत का अगर पास न था,
तुमको मीसम की मोहब्बत का अगर पास न था, नाम लिख लिख के मेरा तूने मिटाया क्यों था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हजरत, मुझे ये पता है कि किस शायर के हिस्से में कितना वक्त आया है, और मुझे अपने वक्त का भी ख्याल रखना है, और मैं रख रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला रखूँगा। यहाँ से गज़ल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अभी तक आपने जिस तरीके से सुना और जिस तरीके से नवाजा, मैं तहे दिल से आपका मशकूर और ममनून हूँ, मगर मुझे यहाँ से थोड़ी सी आपकी तवज्जो और दरकार है। आप अगर थोड़ा सा मेरा मूड बना देंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत महसूस होंगे। हाजिर करता हूँ एक गजल के कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए, मतला हाजिर करता हूँ। इतना बेजान हूँ, गजब तो आप ढा रहे हैं, आप सब मिलके क्या माहौल बनाया आपने। इतना बेजान हूं एहसास के मारों की तरह, आप सबकी भी शिरकत चाहता हूं। ये जो लोग श्रीलंका के नक्शे की तरह से दूर बैठे हुए हैं तो उनकी भी दुआएं चाहता हूं, थोड़ी सी मुझे मोहब्बतें चाहिए। इतना बेजान हूं एहसास के मारों की तरह, इतना बेजान हूं एहसास के मारों की तरह, इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों। क्या कहना, क्या कहना। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। संजय भाई शेर सुनिएगा, नजर करता हूं आपकी। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, कुछ तो हो दिल को सुकून खाओ मेरे सर की कसम, कुछ तो हो दिल को सुकून खाओ मेरे सर की कसम, छोड़ कर अब तो न जाओगे बाहर। अरे वाह 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 वाह। अच्छा मीसम, मीसम आप जरा सा 15 सेकंड के लिए रुको तो इनसे एक बात पूछ लूं। एक बात बताओ, जो लोग खाना खा के थोड़ी देर मुशायरे कवि सम्मेलन का मजा लेके अपने बिस्तर में जाके घुस गए हैं, कल जब मुशायरे के आखिरी हिस्से का उनका अंदाजा लगेगा और पता लगेगा, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो उन्हें अपने जाने पर अफसोस होगा या नहीं होगा? अफसोस होगा ना, तो यस, इसे और ऐसा यादगार बना दो कि मजा आ जाए। मीसम गोपालपुरी माइक पर है, जबरदस्त। छोड़ कर अभी तो न जाओगे बहारों की तरह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये भी शेर सुनिए। कोई चारा न रहा, कोई चारा न रहा तरीके ताल्लुक के
सिवा कोई चारा न रहा तरके ताल्लुक के सिवा, कोई चारा न रहा तरके ताल्लुक के सिवा, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों। वाह 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 वाह। अरे मीसा मेरी जान क्या कहना, वाह 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 वाह। ओ हो, बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह, कुछ लोग दरारों वाह 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 की तरह, वाह 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 बीच में पड़ गए कुछ लोग दरारों की तरह। अब मुझे देखना है कितने लोगों की दुआएं दाद की शक्ल में मुझ तक पहुंचती हैं, और जिस इस शेर को बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे, यकीनन अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो आपकी दुआएं मुझ तक मेरे दामन में भी आएगी। मैंने बड़ी दूर दराज का मुसाफत तय किया है और आपकी खिदमत में आया हूँ। शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, जिसको माँ बाप की होती हैं दुआएं हासिल, अब जिनको जिनको हासिल हुई होगी उनकी दाद मुझ तक आ जाएगी। जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना मीसम, वाह 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 मेरे दोस्त, वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। जिनको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, जिसको माँ बाप की होती है दुआएं हासिल, वो चमकता है बुलंदी से सितारों की तरह। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। मेरे जिस्म में खारों की, आपने मूड बना दिया। मैं शेर इसमें से अशार छोड़ना नहीं चाहता, इस गजल के सारे शेर आपको तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप वाकई सुनना चाहते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मजमा मुझे चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, जब से आजादी के माहौल में रखा है कदम। जब से आपकी नजर करता हूं, जब से आजादी के, जब से आजादी के माहौल में रखा है कदम, जिंदगी कैद है बेवा के सिंगारों। क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। जिंदगी कैद है बेवा के सिंगारों की तरह। शेर हाजिर करता हूं, इरशाद। सिर्फ दो तीन शेर की और जहमत है, मैं हाजिर करता हूं। साथ रह सकते हैं, शेर की जरा कैफियत मुलाजा फरमाए इसकी, साथ रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते, साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो सकते। कंडीशन मुलाजा फरमाए और मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे, इशारे से भी बात वाज़ह हो जाएगी। साथ रह सकते हैं पर एक नहीं हो
सकते, कितने मजबूर हैं हम दोनों कनारों की तरह, कितने मजबूर हैं हम दोनों कनारों की तरह, वाह वाह वाह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, वाह वाह वाह। आखिरी शेर सुनिए, इरशाद। जख्म सब भर चुके, जख्म सब भर चुके, भर चुके, बस बस एक चुभन बाकी है। जख्म सब भर चुके, बस एक चुभन बाकी है। जख्म सब भर चुके, भर चुके, बस बस एक चुभन बाकी है। हाथ में तेरे भी पत्थर था हजारों। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। हाथ में तेरे भी पत्थर था हजारों की तरह, वाह वाह वाह। देखिए मुझे एक शेर और याद आ रहा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हाजिर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये शायरी की हिफाजत आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपके। हाजिर करता हूं। बेखता आज जो, बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कोई भी हो, किसी का भी लाल हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों। वाह 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 वाह। कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों। मक्ता हाजिर करता हूँ, और मुझे इस मक्ते पे आप सबकी तवज्जो भी चाहिए और दुआएं भी चाहिए। अब बतौर खास मुलाकात, इरशाद इरशाद। माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम, माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे ऐ मीसम। शरीक होइएगा, अगर आपके वालदैन माँ बाप जिंदा हैं तो ये आपकी खुशा नसीबी है, आपके पास वक्त है कि आप उनकी खिदमत के लिए खिदमत करके और अपने नामा आमाल में नेकियां भी लिखवाएं, और आप अपना दीन के साथ साथ जो है दुनिया के साथ साथ दीन का भी और आखिरत का भी इंतज़ाम करें। और अगर इस दारे फ़ानी से कूच कर चुके हैं तो अगर आप वाकई अपने सीनों में इंसाफ पसंद दिल रखते हैं और आपको ये लगे कि मीसम गोपालपुरी ने जो शेर पढ़ा है वो सच्चा था, तो मुझे आपकी भरपूर दुआएं चाहिए और दाद इतनी जबरदस्त आनी चाहिए कि ये दाद आपकी उनके लिए उनकी रूह के काम आएगी और उनकी रूह खुश होगी कि आपके हाथ बुलंद हुए एक सच्चे शेर के लिए। बीवी का चेहरा नहीं, माशूका का चेहरा नहीं, महबूबा का चेहरा नहीं, माँ का चेहरा ही वो चेहरा है जिसे मीसम रोज पढ़ता हूँ मैं कुरान के पारों। वाह 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 वाह। मीसम गोपालपुरी।